नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं SSC MTS की फाइनल कट ऑफ के बारे में। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं और फाइनल कट ऑफ आपकी कब आएगी उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल OBC SC ST और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है और कौन कौन EWS में आता है उसके लिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस बार कट ऑफ क्या कम जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर डे क्या है और अभी अभी जो न्यू खबर आई है वो क्या है, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि SSC से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स सबसे पहले मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस पढ़ते हैं, GK पढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए दोस्तों, तो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम बात करने वाले हैं ऑल स्टेट की, कि सभी के सभी स्टेट को नज़र देखते हुए कि आपका जो सेफ स्कोर है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना माना जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जनरल की बात करें दोस्तों, जनरल की बात तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आपका अगर 82+ फॉर ऑल स्टेट, अगर आपका 82+ स्कोर है तो आपका जो स्कोर है एक सेफ स्कोर है, आप फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। 82+ स्कोर आपका सेफ स्कोर है जनरल वालों के लिए 2019 में, जो आपने अभी अभी पेपर दिए थे। और आपको बता दूं 50 नंबर का जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल के लिए 40% लाना अवेलेबल है, यानी 50-40% नंबर आपके जनरल वालों के आने चाहिए और 33% SC ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए आना आवश्यक है। यानी कि 33% और 40% का वहां रेशियो रखा है उन्होंने 50 में से, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम बात करें कि कितनी जा सकती है OBC की कट ऑफ, तो आपको बता दूँ 75+ स्कोर, 75+ स्कोर OBC के लिए बहुत है, सेफ स्कोर माना जा सकता है 75+ स्कोर। एंड नेक्स्ट बात करें हम SC ST का कट ऑफ के बारे में बात करें, SC ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इनका जो 68+ का स्कोर है ये एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, 68+ स्कोर सेफ स्कोर माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करें दोस्तों कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स की क्या कट ऑफ सबसे कम होगी, तो इनकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूँ, इनकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं तो आप यहां से देख सकते हैं, तो इनकी कट ऑफ 72+ थोड़ा सा नहीं 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 या 76+ स्कोर जिनका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का देखा जाए तो 75 के करीब टायर 1 की कट ऑफ गई थी, तो 76+ जिनका स्कोर है एक सेफ स्कोर माना जा सकता है EWS कैंडिडेट्स के लिए। और कौन कौन EWS में आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो जिनके पास 8 लाख से कम का, यानी कि 8 लाख उन्होंने क्रीमी लेयर बोला है, इस क्रीमी लेयर यानी कि 8 लाख से कम का EWS का अगर सर्टिफिकेट है तो आप 10% आरक्षण, 10% रिजर्वेशन EWS के लिए अप्लाई हैं और आप की कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कितनी जा सकती है, 76+ आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फाइनल मेरिट कट ऑफ एक्सपेक्टेड। एंड अब आपको मैं बताने वाला हूँ न्यू खबर क्या है, न्यू खबर क्या है, तो नई खबर है कि आपका ये एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक, अधिकतम बता रहा हूँ मैक्सिमम जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करें कि ज्वाइनिंग लेटर डे, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज्वाइनिंग लेटर डेट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ज्वाइनिंग लेटर डेट के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ।